नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मध्य प्रदेश भिंड कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किसानों को सड़क पर लाना चाहती है। यह आरोप जिला कांग्रेस अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने किसान आंदोलन के समर्थन में जिला कांग्रेस के ग्राम जामना रोड पर 2 घंटे के चक्का जाम और धरना प्रदर्शन के दौरान नेतृत्व करते हुए कही। श्री बघेल ने कहा कि भाजपा चंद उद्योगपतियों को किसानों की जमीन दिलवाकर उन्हें मजबूर बनाना चाहती है, जिससे भविष्य में चंद पूंजीपति ही देश की कृषि व्यवस्था को अपने हाथ में ले सके। इससे किसानों को मोहताज होना पड़ेगा। प्रदेश महासचिव एडवोकेट रामहरि शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार देश के अन्नदाताओं की मौत के बाद भी कहीं जागी है, जिसकी संख्या 60 किसान की मौत के आंकड़े बता रही है। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड में भी तेज बारिश में बैठे हुए किसानों की मांग को नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस किसानों के साथ है और उनकी लड़ाई खत्म होने तक उनके साथ रहेगी। भगवान दास सेंथिया ने कहा कि कांग्रेस ना सिर्फ किसानों के साथ है बल्कि उनके आंदोलन के समर्थन में आंदोलन करने का कांग्रेस ने फैसला लिया है। तीनों काले कानून वापस होने तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शन को सेवा दल अध्यक्ष संदीप मिश्रा, नगर अध्यक्ष संजय भूता, राहुल सजावत, युवा नेत्री एडवोकेट नीति जाडव युवा नेत्री एडवोकेट निधि जाटव, एडवोकेट हर नारायण शर्मा, प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने भी संबोधित किया। इस दौरान चक्का जाम प्रारंभ कर समापन पर कांग्रेसियों ने ताली बजाकर और हॉर्न बजाकर ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता की उपस्थिति रही। प्रदेश महासचिव भगवती शर्मा, बाबा भगवान दास सेंथिया एड रामहरि शर्मा, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, अशोक गुप्ता, प्रवक्ता अनिल भारद्वाज, संदीप मिश्रा, सुरेंद्र राजौरिया, महिला अध्यक्ष रीना चौहान, महामंत्री ममता मिश्रा, युवा नेत्री कुमारी निधि, महेश जाटव, डॉक्टर भगवान सिंह पार्षद, नगर अध्यक्ष संजय भूता, संजीव बउआ, कोषाध्यक्ष जीवाराम जाटव दीपचंद तिवारी, अजय शर्मा सचिव, इमरान खान, संजीव बउआ, चंद्रपाल परिहार, राहुल राजावत, शैलेंद्र भदौरिया, अनीश कुरैशी, राकेश शाक्य, अरविंद सोनी, योगेश शाक्य, अंकित तोमर, आदित्य पुरखा, विवेक शुक्ला, सोनू जैन, आशीष शिवहरे आदि मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए इमरान अली खान की रिपोर्ट। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने जितने कानून बनाए, अधिनियम बनाए, उनका जनता ने हमेशा समर्थन किया। चाहे रोजगार की गारंटी कानून हो, चाहे राजाओं के प्रीपत समाप्त का कानून हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कानून हो, चाहे खाद्य विधेयक हो, और भी कई कितने SC ST एक्ट के बारे में कानून बनाया, महिलाओं के लिए संरक्षण अधिनियम बनाया, लैंगिक अपराध का संरक्षण अधिनियम बनाया, जितने कानून बनाए देश की जनता ने स्वागत किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून बनाती है, NRC CA का कानून बनाया, देश में विरोध हुआ। अगर कोरोना काल नहीं होता तो वो दंगा जो चल रहा था शाहीन बाग में खत्म नहीं होता। इसी प्रकार से ये तीन काले कानून पूंजीपतियों के पक्ष में, अडानी और उनको वेयर हाउस दुनिया भर के बनवा दिए लाखों टन। ये एक कानून ऐसा बनाया है जिसमें आवश्यक वस्तुओं की जो सीमा थी उसकी लिमिट खत्म करके करोड़ों टन आप रख सकते हो, और वो वस्तु खरीद के अपने में इकट्ठा करके रख लोगे, कमी का वातावरण पैदा करके महंगे दामों में बेचोगे। तो ये तीनों के तीनों काले कानून हैं, किसानों के विरोध में हैं। जब किसानों को पता चला तो लाखों की संख्या में किसान ने दिल्ली घेर के रख ली है। चारों तरफ दिल्ली की सड़कों पर किसान ही किसान है, और आप बताओ 70 किसानों की मौत हो चुकी है। ये हृदयहीन प्रधानमंत्री मोदी के दिल में एक आंसू नहीं निकला आंखों से, और ये 2 शब्द भी इंसान मुद के कह सका। लॉकडाउन हुआ था, कई मजदूर रास्ते में मरे थे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं, कभी नहीं बोला, केवल पूंजीपतियों का पोषक है। तो तीनों कानूनों काले के विरोध में जब चीत्कार मचने लगा, वो आवाज हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया के कानों में झंझराहट पहुंची, और उन्होंने
दिल में यही आया कि देश का किसान कितना दुखी है और किसानों के सम्मान में ये निर्णय लिया और सारे जो है देश के सेवा दल को आदेश दे दिया कि आप जो है यात्रा निकालिए। हम लोगों को आज समूचे प्रदेश में किसानों के सम्मान में हम लोग ग्रामीण पहुँच मार्ग वो बच्चा का जाम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि देश की जनता अब जाग चुकी है। ये कानून किसान विरोधी नहीं, प्रत्येक विरोधी से संबंध है, इसका हर का विरोधी है, देश का विरोधी है, राष्ट्र का विरोधी है। ऐसे कानून को वापस लेने के लिए ये चल रहा है। देखिए मोदी की चालाकी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी गठित करके वो कमेटी में वो सदस्य लिए गए जिन सदस्यों ने पहले ही इस कानून का समर्थन कर दिया है। जब समर्थन कर दिया है वो क्या रिपोर्ट देगी, अगर वो प्रतिवेदन क्या देगी कानून के पक्ष में देगी, इसलिए विश्वास उठ गया है। अब और आंदोलन दिल्ली में तेज हो रहा है, हिंदुस्तान भर के विभिन्न प्रांतों से जिलों से किसान लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में समूचे मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर ये सड़क जाम करके चक्का जाम किया गया है और सीधा सीधा है कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में ये कानून वापस लेके एक कानून बनाया जाए, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करिए, किसानों की लागत, किसानों की मजदूरी, पानी का पैसा, बिजली का पैसा, सारा टोटल जोड़कर जो बनता है वो समर्थन मूल्य बनता है। समर्थन मूल्य से कम लेने वाले को दंड मिलना चाहिए, 10 साल की सजा। तो ये कानून बने कि समर्थन मूल्य का कानून बने और उससे कम खरीदने वाले को दंड मिले, सीधी सीधी बात है। दो विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन हाँ। दोनों ही जिला मुख्यालय पे इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया है नजर नहीं आ रहा। देखिए विधायक भी, उनको भी ये आदेश हुआ है कि अपने क्षेत्र में जहाँ विधायक हैं उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम गोद में हो रहा है, गोरबी में हो रहा है, लहार में हो रहा है, सब जगह चक्का जाम का कार्यक्रम महगाम हो रहा है। पूरे जिले में ब्लॉक स्तर पर विधायक अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और ये यही नहीं, हमारे जितने ब्लॉक हैं सब ब्लॉक अध्यक्ष चक्का जाम कर रहे हैं। देखो ये चक्का जाम भारत के उन 62% जनसंख्या का मामला है, जो 62% किसान हैं उनको विरोध में रख के ये बिल बनाया गया है। मात्र 5% कॉर्पोरेट जगत के निजी हित देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कृषि कानून बनाया जिसे वापस नहीं ले रहे। अभी तक तो उनकी प्रोफाइल पे लिखा था कॉर्पोरेट, लेकिन इनके ये बिलों से स्पष्ट हो गया है कि ये उद्योगपतियों के दलाल की तरह काम कर रहा है, जबकि वास्तविक जो देश की जनता है उसके हित में बिल्कुल काम कर नहीं है।